मॉर्निंग गर्ल्स, हमने ईवीएस में आज लेसन नंबर 3 प्लांट्स पढ़ा था। अब मैं उसके क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। ये आपको ट्री कॉपी में करना है और मैं इसकी पीडीएफ भी सेंड करूंगी। WHAT वॉट, ARER ट्रीज, ERWS ट्रीज, पेड़ क्या होते हैं, बिग BIG बिग प्लांट्स, PLANTS प्लांट्स विथ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी भारी भरकम अच्छे स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, जिसकी अच्छी मोटी ब्रांचेस होती हैं, आर कॉल्ड ट्रीज। WHAT व्हाट आर क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स क्या होते हैं, प्लांट्स दैट कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट एंड नीड सपोर्ट टू ग्रो आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। एग्जाम्पल मनी प्लांट, जो प्लांट्स अपने आप स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते हैं उनको क्लाइंबर्स बोलते हैं, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है और उसका एग्जाम्पल है मनी प्लांट। नंबर 3, व्हाट डज द रूट डू फॉर द प्लांट, रूट प्लांट्स के लिए क्या करती है, तो रूट इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रो अंडर द ग्राउंड, रूट जमीन के अंदर बढ़ती है, ये उसका काम होता है। नेक्स्ट है 4, व्हाट डज अ सीड हैव इनसाइड इट, बीज के अंदर क्या होता है, द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट हैज अ बेबी प्लांट इनसाइड इट, सीड के अंदर एक छोटा बेबी प्लांट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर शब्स, व्हाट आर शब्स, स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग एंड बूशी प्लांट्स आर कॉल्ड शब्स, जिसका जो छोटे होते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग और घने होते हैं, मजबूत और घने होते हैं, उनको हम शब्स बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल है जैस्मिन, उसका एग्जाम्पल है जैस्मिन हिबिस्कस। व्हाट आर हर्ब्स, हर्ब्स क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट्स दैट हैव वीक स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स, जिनका स्टेम तना नाजुक होता है उसे हम शर्ब्स हर्ब्स बोलते हैं। हर्ब्स का एग्जाम्पल है ग्रास, और ग्रास के साथ में आपका आ जाएगा टमेटो और ब्रिंजल के प्लांट्स। नेक्स्ट है व्हाट आर क्रीपर, क्रीपर क्या होता है, प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड इज कॉल्ड क्रीपर, जो जमीन के अंदर ही फैलते हैं, जमीन के ऊपर ही फैलते हैं, उसे क्रीपर बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल है पंपकिन और वाटरमेलन।